द्वारा बागी नेताओं को सस्पेंड किया। एमसीडी चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को खिलाफ पर्चा भरने का आरोप। आप विधायक की पिटाई, नाराज कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़कर मारे मुक्के, मंच छोड़कर भागे। शिवाजी पर राज्यपाल के बयान पर शिंदे गुट तल्क, भाजपा ने कहा गवर्नर को राज्य से बाहर भेजे। आकाश विजयवर्गीय बोले, मौका मिले तो मैं कानून बना दूं, रेपिस्ट के साथ उसके माता पिता को भी 1-2 साल की सजा दूं। मौत बनकर सड़क पर ट्रक दौड़ा रहा था ड्राइवर, वैशाली में 30 लोगों को कुचलने वाला बोला, 40 रुपए की देसी शराब पी थी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बुलंदशहर में जहांगीराबाद के XEN दफ्तर के बाहर किसान और भाकियू कार्यकर्ता धरने पर बैठे। बता दें कि किसानों पर दर्ज FIR के खिलाफ धरना कर रहे भाकियू कार्यकर्ताओं ने पावर कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर पावर अफसर का पुतला लगाकर विरोध दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक ट्यूबवेल से मीटर उखाड़ने को लेकर 31 किसानों पर दर्ज FIR के खिलाफ किसानों ने धरना दिया। गोंडा में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के साथ किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादा हवा हवाई है। इसके साथ ही किसानों का बकाया भुगतान राशि को पेराई सत्र शुरू होने से पहले भुगतान की मांग जिला अध्यक्ष वंशराज वर्मा ने सरकार से ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। 26 नवंबर को, आगे 26 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत किसानों की होने जा रही है। उस संबंध में चर्चा किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान यहाँ से निकलें। और आज ज्ञापन दिया गया, सरकार द्वारा घोषणा किया गया था चुनाव के दरमियान कि जब हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली हर किसी को फ्री दिया जाएगा और किसानों को सिंचाई की बिजली फ्री दी जाएगी। गोंडा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। बैठक में DM ने कहा कि शासन की मंशा अनुसार जन सामान्य को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं। वहीं खराब प्रगति के कारण CMO को कड़ी चेतावनी देते हुए सुधार लाने की हिदायत दी और वित्त लेखा अधिकारी कामेश्वर प्रसाद व जिला लेखा प्रबंधक संदीप मल्होत्रा का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही CHC अधीक्षकों को लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में गंगीरी थाना क्षेत्र के गांव नगला की डुकरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृत्यु हुई है भाई, इनने पहले इतनी परेशान करते रहते जी, आज साल 32 ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं जी लोग, तो हम 2-4 पोत गए इनके लिए, सही है, तो मातुर करते तो हमारे पास फोन जाते तो हम फिर आते वहाँ पे, तो आके इन्हें समझ आते, तो फिर एक पोत जी हम पे दौर पर ही सही आज नहीं तो, और नहीं बाघ तो तीसरी बार में सीनी है भाई, तो हाँ तीसरी बार मातुर। कारण कारण क्या रहता था प्रताड़ित किए जाने का? कारण यही रहा, तो परेशान करते रहते हर समय, मतलब काम धंधो से करो जाई पर करवाते, काम धंधो बाप पूरा नहीं है पारो घर का, दहेज वगैरह की भी मांगते, हाँ दहेज मांगते, मतलब इतने दाम दिए गया हर वक्त, आज मतलब 5,000 कभी 10,000, अब क्या सूचना मिली, 40,000 आज, अब क्या जानकारी मिली थी? अब जानकारी यही मिली है फिर कल, मतलब क्या। हरदोई के नई राह सेवा समिति के साथ कई और संगठनों ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम से नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अन्य संगठनों व संस्थानों से राष्ट्रपति हत्यारे आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग करने की अपील की है।
आज हम लोगों ने जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को के नाम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिद्धार्थ के जो भी इस तरह की क्रूर घटना हुई है, ऐसी कोई घटना ना हो, उसको आगे जो है आफ्ताब जी को बहुत ही दंडनीय अपराध किया है इन्होंने, और इनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं। कोई इनके पे रियायत नहीं होनी चाहिए, हम लोग की यही मांग है। हमारी संस्थाएं हमारे साथ हैं, जिले की सारी संस्थाओं उन्हें ज्ञापन दिया है। हरदोई में पिहानी थाने के सरसवा बजरा वाजिद नगर में एक किसान के घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना में दो किसान के दो बेटे भी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका इलाज हरदोई के जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के पीछे वजह जमीनी बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे ASP ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक क्षेत्र बहजम कस्बे के प्रांगण में ब्लॉक क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना व दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी देवेश राय ने मुख्य अतिथि विधायक सौरभ सिंह और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख वीना राज और जिला पंचायत सदस्य रामशंकर राज को माल्यार्पण व पुष्प गुच्छा के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। तो हमारे लिए सभी अध्यापक एक समान है, चाहे वो किसी भी गुरु के हो। अध्यापक अध्यापक होता है, गुरु का दर्जा कोई दूसरा नहीं ले सकता। सभी सम्मानित गुरुओं के चरणों में नमन अभिनंदन करता हूं। और ये प्रतिवर्ष ये जो कार्यक्रम हमारे विद्यालयों के द्वारा बीओ साहब के द्वारा जो कराए जाते हैं, सहयोग सबसे ज्यादा जो विद्यालयों का रहता है, कोई पिता माता को दिल्ली आता है, आज ब्लॉक स्तर पर है, कल जिला स्तर पर होगा, परसों मंडल स्तर पर हो, तो यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में है। आप जितना निखारेंगे, कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, कच्ची मिट्टी है, जो आकार आप लोग देना चाहेंगे उस आकार में बच्चे हमारे ढलते चले जाएंगे। लखनऊ स्मार्ट सिटी कार्यालय में सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम की 10वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत परियोजनाओं व सिलसिलेवार चर्चा की गई। उक्त कार्यक्रम में विषयों पर लेकर व्यापक परिचर्चा की गई। वहीं हेल्थ ATM परियोजना को जन उपयोगी परियोजना बताते हुए सभी सम्मानित जनों द्वारा सराहना की गई। इसके साथ ही छोटे इमामबाड़े के पास अवशेष 250 मीटर की सीवर लाइन को शीघ्र जोड़ने का सुझाव दिया गया। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल चौराहा स्थित रिफॉर्म क्लब के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। इस घटना से राहगीरों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस व दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इसके साथ ही इस मामले में अग्निशमन विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। रायबरेली बछरावा कोतवाली क्षेत्र के बहादुर नगर में बाजार में घर जाते समय बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। इसके साथ ही कुत्ते और कई लोगों पर हमला किया, जिसमें बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह से 4-5 लोग आए हैं अलग अलग जगह से। कुछ लोग बहादुरपुर से आए हैं, कुछ सेंगुल से हैं। बताया गया कि एक पागल कुत्ता है जिसने कई लोगों को काटा है, उसमें कई बच्चे भी हैं। 6-7 लोग यहाँ बछरा में आ चुके हैं, जिनको प्राइमरी एड दे करके उनको जो है इंजेक्शन लगवाया गया है। और ज्ञात हुआ है कि उस पागल कुत्ते को मार भी दिया गया है। आगे अभी
शाहजहांपुर में थाना कटरा क्षेत्र के छगड़ापुर गांव में एक व्यक्ति ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। ये ग्राम छकड़ापुर पड़ता है थाना कटरा में, वहाँ का प्रकरण है। आज सुबह ये सूचना मिली थी कि राम भरन नाम है जो मृतक है, वो अपने खेत पे नींव भरने के लिए गया था और नींव भरी भी जा रही थी पहले से, तो उन्हीं के रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उनके द्वारा इसका विरोध करके उनको लाठी से पीटा गया, जिससे उनको अस्पताल ले जाकर उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाने पर जो वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अधिकारियों को पंजीकृत कर लिया गया, मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट रोड पर देर रात स्कूटी सवार शाहिद को बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते हमला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कानपुर में विधनू थाना क्षेत्र के न्यूरी गांव के पास पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि बीती 9 नवंबर की रात को न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी में चोरी हुई थी। चोर पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज की रिवॉल्वर वर्दी समेत दस्तावेज से भरा बक्सा उठा ले गए थे। इसी मामले में छानबीन कर रही पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास पुलिस चौकी से चोरी हुई सरकारी रिवॉल्वर बरामद की है। 10 तारीख को थाना क्षेत्र बिदनू की न्यू आजाद नगर चौकी पे चौकी से ही पिस्टल चोरी होने की घटना जो हुई थी, उसमें हम लोगों ने कई टीमें बनाई थी। कानपुर कमिश्नरेट से इसको बहुत सीरियसली लिया था। उसी क्रम में कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई जगह पर सर्च भी हुए थे। एक व्यक्ति जो शेखू है और उसके साथी, उसको भी हम लोगों ने इसी प्रकार से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो घटना उसी के द्वारा कारित की गई थी और उसने यहाँ पे रेलवे लाइन के पास में पुलिया के नीचे उस पिस्टल को छुपा के रखा था। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।